दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने 13 गेंदों में 72 रन ठोका। एशिया कप से पहले जमकर बरसे मोहम्मद रिजवान, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप पाकिस्तान टीम के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एशिया कप से पहले मोहम्मद रिजवान ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम को श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस मैच शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रैक्टिस मैच के दौरान ही मोहम्मद रिजवान ने महज 13 गेंदों में 72 रन ठोक डाले। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 10 छक्के जड़ डाले। वहीं मोहम्मद रिजवान की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान की जमकर तारीफ करी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और श्रीलंका टीम के बीच सीरीज का पहला टेस्ट 9 जुलाई से होना है और दूसरा टेस्ट 16 जुलाई से। उसके बाद पाकिस्तान टीम 31 अगस्त से एशिया कप की मेजबानी करने जा रही है। तो दोस्तों आपके अनुसार पाकिस्तान टीम का बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है, मोहम्मद रिजवान या सरफराज अहमद? आप अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।